हमारा पिछला टॉपिक था इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, अब हम बात करते हैं कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस के। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर नॉट कन्फाइंड ओनली टू द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। जो भी ग्लोबलाइजेशन के परिणाम है वो खाली पॉलिटिक्स या इकोनॉमी तक सीमित नहीं है। ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट्स अस इन आवर होम, इन व्हाट वी ईट, ड्रिंक, वेयर एंड इनडीड व्हाट वी थिंक। ग्लोबलाइजेशन का असर हमारे घर पे भी पड़ता है। हम क्या खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं या हम क्या सोचते हैं, इट शेप्स व्हाट वी थिंक आर अवर प्रेफरेंसेस। वो जो है उनको एक शक्ल देखता है या एक शक्ल देता है जो चीजें हमारे लिए अहमियत रखती है, जिसको हम प्रेफर कर रहे हैं उन्हीं को वो शक्ल देता है। द कल्चरल इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन लेड्स टू द फियर दैट दिस प्रोसेस पोजेस अ थ्रेट टू द कल्चर्स इन द वर्ल्ड। अब जो कल्चरल इफेक्ट आ रहा है ग्लोबलाइजेशन का, असर पड़ रहा है सांस्कृतिक पे, जो असर पड़ रहा है उससे डर क्या है, ये जो प्रक्रिया है ये एक तरह का बहुत बड़ा डर है, खतरा है जो कल्चर्स हैं दुनिया के उनके लिए। इट डज सो बिकॉज ग्लोबलाइजेशन लेड्स टू द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर और व्हाट इज कॉल्ड कल्चरल होमोजीनियाइजेशन। अब ये खतरा इसलिए है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है बिल्कुल एक सा कल्चर जो है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कल्चरल होमोजीनियाइजेशन। द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर इज नॉट द इमर्जेंस ऑफ ग्लोबल कल्चर। और ये जो एक यूनिफॉर्म कल्चर का की उत्पत्ति हो रही है ये ग्लोबल कल्चर की वजह से नहीं है। वी व्हाट वी हैव इन द नेम ऑफ अ ग्लोबल कल्चर इज द इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्या है, अगर हम ग्लोबल कल्चर की बात कर रहे हैं तो हम एक तरह से जो वेस्टर्न कल्चर है उसे पूरी दुनिया के ऊपर लादने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस फिनोमिनन एज अ सॉफ्ट पावर ऑफ द US हेजेमनी इन चैप्टर 3। हमने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा था कि किस तरीके से जो US हेजेमनी है उसकी ये जो सॉफ्ट पावर है उसकी प्रक्रिया है। द पॉपुलरिटी ऑफ अ बर्गर और अ ब्लू जीन्स सम आर्ग्यू हैज लॉट टू डू विद द पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। अब जिस तरह से बर्गर्स या ब्लू जीन्स फेमस हैं, कुछ लोगों का मानना है कि उसको बहुत ज़्यादा एक तरह से जिस तरह का अमेरिकन लाइफ का स्टाइल है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। दस द कल्चर ऑफ द पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटीज लीव्स इट्स इम्प्रिंट ऑन द लेस पावरफुल सोसाइटी एंड द वर्ल्ड बिगिंस टू लुक मोर लाइक द डोमिनेंट पावर विशेस इट टू बी। तो ये जो कल्चर होता है इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली जो प्रधान स्टेट्स सोसाइटीज हैं वो क्या करती हैं, जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनके ऊपर अपनी एक छाप छोड़ देती है, और जो दुनिया है वो बिल्कुल उन्हीं पावर्स, जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं वो जैसा चाहती हैं उन्हीं की जैसी दिखने लगती है। Those who make this argument often draw attention to McDonaldization of the world, which culture seeks to buy into the dominant American dream. अब जो लोग तर्क रखते हैं वो हमेशा ध्यान जो है किधर ले जाते हैं, मैकडोनलाइजेशन की तरफ, दुनिया का एक जो मैकडोनलाइजेशन है जिसमें कल्चर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो एक अमेरिकन ड्रीम है उसको खरीद लें, मतलब वहाँ जो चीज़ फेमस है उसी को ही अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज डेंजरस नॉट ओनली फॉर द पुअर कंट्रीज बट फॉर द होल ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये एक बहुत बड़ा खतरा है खाली गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। फॉर इट लेड्स टू द श्रिंकिंग ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ द एंटायर ग्लोब। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा एक पूरे ग्लोब में जो इतनी संस्कृति भरी हुई है उसका एक तरह से सिकुड़ना हो रहा है, क्योंकि हम एक ही की तरफ जो है झुक रहे हैं, अपनी संस्कृति को जो है धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। एट द सेम टाइम इट वुड बी अ मिस्टेक टू अज्यूम दैट कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर ओनली नेगेटिव। अब यही हम एक चीज़ गलती कर रहे हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज जो परिणाम है ग्लोबलाइजेशन के कल्चरल तौर पे वो सिर्फ नेगेटिव ही हैं। कल्चर्स आर नॉट स्टैटिक थिंग्स। अब ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो रुकी हुई है। ऑल कल्चर्स एक्सेप्ट आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस फॉर ऑल द टाइम। जितनी भी संस्कृति हैं उनमें बाहरी प्रभाव पड़ता है हमेशा, और वो उसे एक्सेप्ट भी करती है, सब हमेशा से चलता चला आ रहा है। सम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस आर नेगेटिव बिकॉज दे रिड्यूस अवर चॉइसेस। हाँ, कुछ बाहरी प्रभाव जो हैं वो नेगेटिव इसलिए होते हैं कि वो हमारी चॉइसेस को कम कर देते हैं। बट समटाइम्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस सिंपली एनलार्ज अवर चॉइसेस एंड समटाइम्स दे मॉडिफाई अवर कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशनल। पर कई बार ऐसा होता है ये जो बाहरी प्रभाव होता है ये हमारी चॉइसेस को बढ़ा देता है, बड़ा बना देता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो अपना कल्चर है उसमें थोड़े से बदलाव भी ला देता है बिना हमारा जो ट्रेडिशन है उसको डिस्टर्ब किए। द बर्गर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर अ मसाला डोसा एंड देयरफॉर डज नॉट पोज एनी रियल चैलेंज। अब बर्गर जो है वो मसाला डोसा का सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसलिए मसाला डोसा को कोई ऐसा खास खतरा नहीं है। इट सिंपली एडेड ऑन टू अवर फूड चॉइसेस। बस ये है कि बर्गर हमारे सामने एक नई फूड चॉइस के तौर पे आ गया है,
ब्लू जीन्स ऑन द अदर हैंड कैन गो वेल विद अ होमस्पन खादी कुर्ता। अब यहीं पर अगर जो ब्लू जीन्स होती है हम उसको एक हाथ से बने हुए जो क्या कहते हैं खादी का कुर्ता बना हुआ था उसके ऊपर पहन सकते हैं। Here the outcome of the outside influence is a new combination that is unique. अब यहाँ से जो बाहरी प्रभाव पड़ा है उसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक नया ही कॉम्बिनेशन बन गया जो अपने आप में बहुत यूनिक है। खादी कुर्ता वोर्न ओवर जीन्स, खादी का कुर्ता हमने जीन्स के ऊपर पहन लिया। Interestingly, this clothing combination has been exported back to the country that gave us blue jeans so that it is possible to see the young Americans wearing kurta and jeans. अब ये जो क्लोथिंग कॉम्बिनेशन है ये वापस दोबारा जब उनकी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट हुआ तो उसने दिया क्या दिया, ब्लू जीन्स तो थी साथ ही साथ जो यंग अमेरिकन्स हैं अब वो कुर्ता और जीन्स पहनने लग गए। व्हाइल कल्चरल होमोजेनाइजेशन इज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन द सेम प्रोसेस ऑल्सो जनरेट्स प्रिसाइसली द अपोजिट इफेक्ट्स। अब जहाँ ये जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन है ये एक तरह से ग्लोबलाइजेशन का ही पहलू है, वही यही जो सेम प्रक्रिया है ये अपोजिट इफेक्ट भी डालती है, जनरेट करती है। इट लेट्स यू नो ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। अब इससे क्या होता है हर कल्चर जो है वो अलग और बिल्कुल भिन्न हो जाता है। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं कल्चरल हेट्रोजेनाइजेशन। दिस इज नॉट टू डिनाई दैट देयर रिमेन डिफरेंसेस इन पावर व्हेन कल्चर इंटरैक्ट्स, बट इंस्टेड मोर फंडामेंटली टू सजेस्ट दैट कल्चरल एक्सचेंज इज रेयरली वन वे। अब हम इस चीज को भी नहीं डिनाई कर सकते कि डिफरेंसेस हमेशा रहते हैं पावर में। जब भी कल्चरल इंटरेक्ट होते हैं, कल्चर आपस में मिलते हैं तो पावर डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो ये चीज सजेस्ट करी जा रही है कि कल्चरल एक्सचेंज ही एक मात्र तरीका है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो आगे के टॉपिक्स हैं ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो हम जो कर रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन।